नमस्कार दोस्तों, इस डिस्कशन में हम 21 मई 2021 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। डिस्कशन की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले ये देखिए, आप हमारे चैनल पर पिछले एक साल के करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट हो गई है, जिसमें हम जून 2020 से लेके जून 2021 तक के टॉप मोस्ट 1500 करंट अफेयर के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। अगर आपने इन 1500 क्वेश्चनों को लगा लिया तो आपका करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस बात की पूरी गारंटी है। इसका पार्ट फर्स्ट अपलोड हो गया है और इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज क्या है? पहली न्यूज है 21 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। अब ये न्यूज क्या है इसे हम समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस यानी इंटरनेशनल टी डे, ये हर साल 21 मई को ही मनाया जाता है। और इसे फर्स्ट टाइम कब मनाया गया था? इसे फर्स्ट टाइम 2020 में मनाया गया था। याद रखेगा, इसे हर साल 21 मई को मनाया जाता है और पहली बार इसे 2020 में मनाया गया था। इसकी थीम क्या है? 2021 की थीम है टी एंड फेयर ट्रेड। इसको ना देखो, एशिया के कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे इसका उत्पाद होता है सबसे ज़्यादा, जैसे इंडिया, चाइना, नेपाल, केन्या, श्रीलंका। अगर हम भारत की बात करें, सबसे पहले इसकी जो शुरुआत की गई थी वो भारत का यानी इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है ना, वहाँ पे इसकी शुरुआत की गई थी। आप जानते भी हैं दार्जिलिंग की चाय, दार्जिलिंग की चाय फेमस है पूरी दुनिया में और इसे GI टैग भी दिया गया है। तो याद रखेगा, ये सब न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जा सकता है? अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो बताइए आंसर क्या होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? 21 मई। 21 मई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस ये मनाया जाता है। अब देखो, बात यहाँ पे डेज की हुई है ना, तो ये अप्रैल के इम्पोर्टेंट डेज हैं, ये मार्च के हैं और ये फरवरी के हैं। आप एक काम कीजिए, इन तीनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनके नोट्स बना लीजिएगा। और देखो, जब मई 2021 के सभी डेज कंप्लीट हो जाएंगे तो उनको भी हम इन्हीं के साथ ऐड कर देंगे। चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ क्या है? फियामे नाओमी मताफा बनेंगी समोआ की पहली महिला प्रधानमंत्री। फिर से बोलता हूँ, फियामे नाओमी मताफा बनेंगी समोआ की पहली महिला प्रधानमंत्री। ये हैं कौन? ये समोआ की फॉर्मर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं। अब आप क्वेश्चन लगाइए पहले, क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जा सकता है? फियामे नाओमी मताफा किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हैं? तो आंसर क्या होगा? समोआ। सेकंड क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, समोआ। अब इसकी लोकेशन कहाँ पर है ये आप देखिए। देखो, ये है इसकी लोकेशन, कहाँ पर है? ये है पैसिफिक ओशन में। इधर आप देख रहे हैं ये ऑस्ट्रेलिया है, इधर ये न्यूजीलैंड है और यहाँ पर है ये समोआ, ऊपर पैसिफिक ओशन में है। इसकी आप कैपिटल याद रखेगा, इसकी कैपिटल पूछी जा सकती है अपिया, ये इसकी कैपिटल है और याद रखेगा यही इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है। आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, समोआ ये जो आइलैंड है ये कहाँ पर है? तो ये पैसिफिक ओशन में है, ये फैक्ट आप याद रखेगा। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया मुख्यमंत्री महा आरोग्य कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम। अब ये न्यूज़ क्या है इसे हम समझते हैं। देखो, अगर सिंपल भाषा में समझें, महाराष्ट्र की सरकार ने हेल्थ केयर सेक्टर में स्किल मैन पावर को एंश्योर करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया है। नाम क्या है? मुख्यमंत्री महा आरोग्य कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम। अब आप क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महा आरोग्य कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? यहाँ पे नीचे इंग्लिश में भी लिखा गया है, महा आरोग्य स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा महाराष्ट्र। थर्ड क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, महाराष्ट्र इसका सही आंसर है। अब बात महाराष्ट्र की हुई है तो इसका जो पिछला करंट अफेयर है इसे हम कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है? टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार न्याय वितरण प्रणाली महाराष्ट्र में सबसे अच्छी है। 2021 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने औपचारिक रूप से कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति शुरू की। ये सेकंड पॉइंट इम्पोर्टेंट है। बाल साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क का उद्घाटन नागपुर में हुआ। महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन शुरू किया, ये भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने जेल पर्यटन शुरू किया है, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने महाराष्ट्र के संगोला से 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई। महाराष्ट्र सरकार ने महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक महिला उद्यमिता सेल स्थापित करने का निर्णय लिया। सेवन्थ पॉइंट, सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो काफी दिनों से चर्चे में है, ये महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है, वहां पर इसका हेडक्वार्टर है और इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। केंद्र ने वार्षिक योजना के तहत महाराष्ट्र के लिए
5,801 करोड़ रुपए की नई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। महिसमाल गांव ये महाराष्ट्र में स्थित है। अब ये गांव न्यूज में क्यों आया, क्योंकि यहाँ के गांव के लोगों को काफी दिनों बाद नल का पानी प्राप्त हुआ है। अब बात महाराष्ट्र की है, लोकेशन देखिए, ये है महाराष्ट्र की लोकेशन। इसकी बेसिक डिटेल कवर करते हैं। कैपिटल क्या है, कैपिटल है इसकी मुंबई। फॉर्मेशन कब हुई थी, 1 मई 1960 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। उद्धव ठाकरे ये मुख्यमंत्री हैं और भगत सिंह कोश्यारी ये राज्यपाल हैं। 36 जिले हैं लोकसभा की, 48 सीट राज्यसभा की, 19 विधानसभा की, 288 विधान परिषद की 78 सीटें हैं। 6 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है। 6 राज्य कौन कौन से हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और गोवा। बॉम्बे में इसकी हाईकोर्ट है। देखो महाराष्ट्र, गोवा और DNHDD ये क्या है, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, इन तीनों की जुरिस्डिक्शन बॉम्बे हाईकोर्ट के अंतर्गत आती है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता, ये आप याद रखेगा। कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क भी हैं, जैसे गुगुमल नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क, तदुबा अंधारी टाइगर रिजर्व, संजय गांधी नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क या फिर पेंच नेशनल पार्क, ये सभी महाराष्ट्र में स्थित हैं। अब एक इंपोर्टेंट लेक है लोनार लेक, ये काफी बार एग्जाम में पूछी जाती है। लोनार लेक किस राज्य में है, ये महाराष्ट्र में है। वेना लेक ये भी महाराष्ट्र में है। कोयना डैम जिसे महाराष्ट्र की लाइफलाइन भी कहा जाता है और ये गंगोत्री रिवर के ऊपर है। मूला डैम, उज्जैनी डैम जिसे भीमा डैम भी कहा जाता है और ये भीमा रिवर के ऊपर है। जयकवाडी डैम ये सभी महाराष्ट्र में स्थित हैं। अब चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। US ने रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए सहायता की घोषणा की है। आप सीधा क्वेश्चन लगाइए, मई 2021 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश में तकरीबन 9 लाख रोहिंग्या शरणार्थियों की तत्काल जरूरतों को पूरा करने में मदद के लिए लगभग 155 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता की घोषणा की है। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा बांग्लादेश। फोर्थ क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, बांग्लादेश इसका सही आंसर है। अब एक बार आप लोकेशन देखिए, देखो ये तो है अमेरिका की लोकेशन, यहाँ पर है ये अमेरिका। इसके अगर हम बेसिक डिटेल की बात करें तो कैपिटल क्या है, वॉशिंगटन DC, और ये जो वॉशिंगटन DC है ना, यहीं पर ही एक तो IMF और अमेरिका की स्पेस एजेंसी है NASA और वर्ल्ड बैंक, इन तीनों का हेडक्वार्टर यहीं पर है। करेंसी क्या है, US डॉलर। प्रेसिडेंट कौन है, जो बाइडन, और ये 46वें नंबर के राष्ट्रपति हैं कहाँ के, अमेरिका के, वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस। अभी यहाँ पे देखो 50 स्टेट हैं, लेकिन जल्दी ही यहाँ पे एक और बनेगी, तो टोटल कितनी हो जाएंगी, 51। तो 51 कौन सी बनेगी, ये बनेगी वॉशिंगटन DC। इसके लिए वहाँ पे बिल पारित कर दिया गया है अमेरिका के अंदर। और भारतीय राजदूत कौन है अमेरिका में, तरनजीत सिंह सिंधु, ये कौन है, ये इंडियन एम्बेसडर है अमेरिका में। अब बांग्लादेश की लोकेशन देखिए, यहाँ पर है बांग्लादेश। इसकी अगर हम कैपिटल की बात करें तो ढाका इसकी कैपिटल है, जो लार्जेस्ट सिटी भी है। करेंसी क्या है, बांग्लादेशी टका। प्रेसिडेंट कौन है, अब्दुल हमीद। प्रधानमंत्री कौन है, शेख हसीना। पूछा जाता है भारत के कितने राज्यों की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, तो टोटल 5 राज्य हैं। 5 राज्य कौन कौन से हैं, एक तो यहाँ पर है पश्चिम बंगाल, ये पहला राज्य है। दूसरा असम हो गया, तीसरा कौन सा है, मेघालय, चौथा ये त्रिपुरा, और पाँचवा कौन सा है, पाँचवा है मिजोरम। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, 5 राज्यों की सीमा, ये भारत के 5 राज्य हैं जिनकी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। 20 मई को मनाया गया विश्व मधुमक्खी दिवस, ये भी इम्पोर्टेंट है, वर्ल्ड बी डे, ये हर साल 20 मई को मनाया जाता है, याद रखेगा इम्पोर्टेंट है। हुआ क्या था, दिसंबर 2017 में UN ने मंजूरी दे दी थी कि अब से इसे हर साल 20 मई को मनाया जाता है, मतलब 20 मई को मनाया जाएगा। और इसे फर्स्ट टाइम कब सेलिब्रेट किया गया, तो 2018 में इसे फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया। देखो ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि फर्स्ट टाइम कब मनाया गया, तो 2018 में मनाया गया है। अब थीम इसकी इम्पोर्टेंट है, थीम क्या है, अब आप ध्यान से सुनेगा, बी एंगेज्ड बिल्ड बैक बेटर फॉर 20। फिर से बोलता हूँ, बी एंगेज्ड बिल्ड बैक बेटर फॉर 20, ये 2021 की थीम है। अब आप क्वेश्चन लगाइए, विश्व मधुमक्खी दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो ये हर साल 20 मई को मनाया जाता है, और थीम आपने इसकी कवर कर ली है, क्या है थीम, बी एंगेज बिल्ड बैक बेटर फॉर 20, ये इसकी थीम है। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करके राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। देखो ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि राजस्थान पहला राज्य बना है, लेकिन राजस्थान के साथ ही अभी हाल ही में तमिलनाडु, आसाम, महाराष्ट्र, इन राज्यों ने भी ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। तो अब आप क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है,
ब्लैक फंगस जिसे काला कवक भी बोलते हैं, इसको महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये कौन सा बना है बताइए, तो ये बना है राजस्थान। सिक्स क्वेश्चन का ए आंसर सही है राजस्थान। देखो ये है क्या, ये एक ऐसी बीमारी है जो कोविड से ठीक हो रहे हैं ना जो लोग, उनमें ये बीमारी देखी जा रही है, तो ये आप याद रखेगा। अब राजस्थान की लोकेशन देखिए कहाँ पर है, ये है राजस्थान की लोकेशन। इसकी बेसिक डिटेल कवर करते हैं, ये इसकी बेसिक डिटेल है। जैसे जयपुर इसकी कैपिटल है और जयपुर को लार्जेस्ट मतलब इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है और इसी को पिंक सिटी भी बोलते हैं। 30 मार्च 1949 में फॉर्मेशन हुई थी। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, कलराज मिश्रा ये राज्यपाल हैं। 33 जिले हैं, लोकसभा की 25 सीट, राज्यसभा की 10 और विधानसभा की 200 सीटें हैं। 5 राज्यों के साथ राजस्थान की सीमा लगती है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। चीफ जस्टिस कौन है, तो ये कौन है, इंद्रजीत मोहंती। जोधपुर में इसकी हाई कोर्ट है। कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क भी हैं, जैसे रणथंभौर नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, भरतपुर नेशनल पार्क, सरिस्का वाइल्ड सेंचुरी, कुंभलगढ़ वाइल्ड सेंचुरी, दारा वाइल्ड सेंचुरी, ताल चप्पर सेंचुरी, बासी वाइल्ड सेंचुरी, ये सभी राजस्थान में स्थित हैं। पुष्कर लेक, शांभर लेक, नक्की लेक और मानसागर लेक, ये चारों लेक राजस्थान में हैं। बिलासपुर डैम जो बाणस रिवर के ऊपर है, माही बजाज सागर डैम ये माही रिवर के ऊपर है, राणा प्रताप सागर डैम ये चंबल रिवर के ऊपर है, जवाई डैम ये जवाई रिवर के ऊपर है, तो ये सभी राजस्थान में स्थित हैं। अब चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। पूर्व एनएसजी महानिदेशक ज्योति कृष्ण दत्त का निधन हो गया, आप क्वेश्चन लगाइए। मई 2021 में ज्योति कृष्ण दत्त का निधन हुआ, ये किस संस्था से मतलब किस संस्था के पूर्व महानिदेशक थे, मतलब ये किस इंस्टीट्यूशन के फॉर्मर डायरेक्टर जनरल थे, तो आंसर क्या होगा, एनएसजी। सेवंथ क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, एनएसजी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट न्यूज, महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा राष्ट्रीय औषधि पौधे संस्थान, आप क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है फिर इसको हम डिस्कस करेंगे। किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय औषधि पौधे संस्थान स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा महाराष्ट्र। एट्थ क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, महाराष्ट्र इसका सही आंसर है। अब इसको महाराष्ट्र में भी कहाँ पर स्टैब्लिश किया जाएगा, तो देखो महाराष्ट्र में एक जिला है, उस जिले का नाम क्या है, इस जिले का नाम है सिंधुदुर्ग। सिंधुदुर्ग जिला है और इसके अंदर एक तालुका है, इस तालुका का नाम क्या है, डोडामार्ग। और डोडामार्ग में भी एक गांव है, इस गांव का नाम क्या है, अदाली गांव, अदाली विलेज, जहां पर इसे इस्टाब्लिश किया जाएगा, तो समझ गए ना। और देखो ये जो डोडामार्ग है ना, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी अच्छी खासी मात्रा में पाई जाती है, तो एट्थ क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, महाराष्ट्र इसका सही आंसर है। और महाराष्ट्र के बारे में इसी डिस्कशन में हम डिटेल के साथ कवर कर चुके हैं, बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। ईरान ने किया सिमोर्क सुपर कंप्यूटर का अनावरण। देखो इस प्रकार की जो न्यूज होती है ना, इसमें सिर्फ आपको एक तो उस कंप्यूटर का नाम और वो किस देश का है, बस ये दो चीज आपको जानने को मतलब इतना आपको पता होना बहुत जरूरी है, तो याद रखेगा ईरान ने किया सिमोर्ग सुपर कंप्यूटर का अनावरण। अब आप क्वेश्चन लगाइए, मई 2021 में ईरान द्वारा अनावरण किए गए सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है, यहाँ पे पूछा गया है नाम क्या है, तो बताइए आंसर क्या होगा, आंसर होगा सिमोर्ग। नाइन्थ क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, सिमोर्ग इसका सही आंसर है। अब ईरान की लोकेशन देखिए, देखो ये कहाँ पर है ईरान, ईरान यहाँ पर है। इसकी अगर हम बेसिक डिटेल की बात करें तो तेहरान ये इसकी कैपिटल है और यही इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है। ईरानियन रियाल ये करेंसी है, हसन रूहानी ये प्रेसिडेंट हैं। पूछा जाता है देखो ये तो कैस्पियनसी है यहाँ पर और नीचे है ये पर्शियन गल्फ, पूछा जाएगा पर्शियन गल्फ और कैस्पियनसी इन दोनों के बीच में कौन सा देश आता है, तो ये ईरान है। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, मोक्टर ओइने बने माली के प्रधानमंत्री, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन लगाइए, मोक्टर मोने फिर से किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो आंसर क्या है, आंसर है माली। टेंथ क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है माली। अब इसकी लोकेशन देखिए, देखो ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है, इधर देखिए ये माली है, इसकी आप कैपिटल याद रखेगा बमाको, ये इसकी कैपिटल है। एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि बमाको किस देश की कैपिटल है और ऑप्शन में दे दिया जाएगा, जैसे माली दूसरे नंबर पे होगा, पेरू तीसरे पे हो जाएगा, स्पेन चौथे पे हो जाएगा, क्या गुयाना, तो याद रखेगा ये किसकी कैपिटल है, ये बमाको ये माली की कैपिटल है, तो फर्स्ट इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो ये तो थी हमारी करंट अफेयर की क्लास। अब कल के क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे, किस राज्य सरकार ने HIT कोविड ऐप लॉन्च किया है, तो बिहार इसका सही आंसर है। खबरों में रही
चूहा बारिश की घटना कहाँ घटित हुई है? तो ऑस्ट्रेलिया इसका सही आंसर है। मई 2021 में इटालियन ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता? इगा स्वीटेक। मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना किस राज्य से संबंधित है? तो मध्य प्रदेश इसका सही आंसर है। किस राज्य में काले कवक को अधिसूचित रोग घोषित किया गया है, यानी नोटिफाइड डिजीज डिक्लेयर किया गया है? तो हरियाणा सही आंसर है। मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता? एंड्रेस मेजा। और ये किस देश से हैं? तो ये मैक्सिको से हैं। हजारीबाग रेलवे स्टेशन किस राज्य में है? ये झारखंड में स्थित है। ये तो थे हमारे कल के क्वेश्चन। अब ये आज के क्वेश्चन हैं, जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। पहला क्वेश्चन क्या है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 1,250 करोड़ रुपए के कोविड-19 राहत पैकेज की घोषणा की है? सेकेंड क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि राज्य में एक विधान परिषद की स्थापना की जाएगी? आपको यह भी बताना है आज की डेट में भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद और विधानसभा दोनों हैं। थर्ड क्वेश्चन, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस ये कब मनाया जाता है? फोर्थ क्वेश्चन, मई 2021 में चमन लाल गुप्ता का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? फिफ्थ क्वेश्चन, डार्विन्स आर्क समुद्र में ढह गया, यह निम्नलिखित में से किस महासागर में प्रसिद्ध चट्टान है? सिक्स्थ क्वेश्चन, सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन यानी इम्प्लीमेंटेशन के लिए कितने राज्यों को 5,968 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से बताना है। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।